बच्चों, आज हम लोग मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन को देखेंगे। तो आप समझ चुके हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित होता है। तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे उसको ध्यान देंगे। तो पहला वाक्य पर हम ध्यान देंगे, जब अंकिता परीक्षा दे देगी तब आगरा जाएगी। तो यहाँ पर जब अंकिता परीक्षा दे देगी तब आगरा जाएगी, तो यहाँ पर ये जो है मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। और जब इसको सरल वाक्य में बदलेंगे तब क्या बनेगा, अंकिता परीक्षा देने के बाद आगरा जाएगी। तो ये क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें उपवाक्य को हटा दिया गया है और एक दोनों एक मुख्य वाक्य में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे ही रात हुई तारे टिमटिमाने लगे। तो जैसे ही रात हुई तारे टिमटिमाने लगे, तो यहाँ दो उपवाक्य, जैसे ही रात हुई और तारे टिमटिमाने लगे। तो यहाँ दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों उपवाक्य को जोड़कर एक सिंपल वाक्य में कन्वर्ट करना है, यानी कि सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, रात होते ही तारे टिमटिमाने लगे, यहाँ दोनों उपवाक्य को जोड़कर एक सरल वाक्य की रचना की गई है। अगले उदाहरण पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, तो यहाँ दो उपवाक्य, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, दूसरा उपवाक्य है वह भाग गया, तो दोनों को जोड़ दिया गया है, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। तो ये क्या है, ये सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ दोनों उपवाक्य को आपस में जोड़कर एक सरल वाक्य की रचना की गई है। आगे, जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो जो व्यक्ति गुणी होते हैं एक उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो ये दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है, गुणी व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं, तो एक सिंपल वाक्य में कन्वर्ट किया गया है, तो ये सरल वाक्य। आगे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे ही माँ आई वैसे ही बच्चा चुप हो गया। तो जैसे ही माँ आई ये पहला उपवाक्य है, वैसे ही बच्चा चुप हो गया दूसरा उपवाक्य। तो इन दोनों को जोड़कर हम सरल वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो माँ के आते ही बच्चा चुप हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आप मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदल सकते हो। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको घर में आप प्रैक्टिस करें ताकि परीक्षा में इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाए तो उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।